पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असाज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सजावल में भी असाज़ा का आलमी दिन मनाया गया। बच्चों ने असाज़ा पर टैबलोस पेश किए। बच्चों ने तालीम पर भी टैबलोस पेश करके पंडाल में मौजूद लोगों को रुला दिया। इस मौके पर असाज़ा ने खिताब करते हुए मरकजी रहनुमा इंतजार हुसैन अब्दुलशकूर सालन निसार मेमन ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद असाज़ा को तालीमी शोबों में मुतहरिक करने में मदद फराहम करने समेत इस अमर को यकीनी बनाना है कि असाज़ा मुस्तकबिल के मामारों को तालीमी जरूरियात को जारी रखेंगे। वालिदैन के बाद उस्ताद ही बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि उस्ताद को रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया गया। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इंसानी जिंदगी का वो सतून है जो जिंदगी को रंगों से भर देता है। तालीमी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन अगर किरदार अदा करें तो यकीनन माशरे में मुस्बत तब्दीली के साथ साथ उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ताल्लुक को बहाल किया जा सकता है। जो माशरे असाज़ा की इज्जत करते हैं वही तरक्की के राह पर गामजन होते हैं। उस्ताद इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा कि 18 अक्टूबर को इलेक्शन होगी। सजावल के असाज़ा हमें कामयाब करें। कैमरा टीम के साथ शबाज मेमन, HNA न्यूज, सजावल।